बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल माइंड। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल कहानी है। ये कहानी है जॉन नैश की और ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के 2 साल बाद, क्योंकि 2 सितंबर सन 1945 को वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था और अब वक्त है 1947 का। और इस वक्त में ये दिखाया जाता है कि जॉन नैश जो कि एक स्कॉलर है, उनका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है जो सब के सब मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर उसकी मुलाकात मार्टिन हैंसन से भी होती है जो कि नैश की तरह ही एक स्कॉलर है। नैश उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोनों प्रीप्रिंट्स पढ़े जो कि तुमने एक नाजी साइफर्स के ऊपर लिखा था और दूसरा नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर, और मुझे यकीन है इन दोनों में से ही कोई भी इनोवेटिव आइडिया नहीं है। दरअसल जॉन नैश के मन में जो भी होता है वो बोल देता है, वो कभी भी दिल से नहीं सोचता, वो हमेशा दिमाग से सोचता है और वो सुप्रीमली इंटेलिजेंट होता है। इसके साथ साथ उसका नेचर शाही भी होता है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है जिस दुनिया में वो अकेला रहता है। अब नैश अपने रूम में जाता है और जब वो रूम में जाता है तो वहां पर एक और स्टूडेंट आता है। ये लिटरेचर का स्टूडेंट है, इसका नाम होता है चार्ल्स हरमन। चार्ल्स हरमन का नेचर जॉन नैश से बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि नैश शुरू में उससे अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन बाद में ये दोनों बात करते हैं और जॉन नैश चार्ल्स को बताता है कि सब अपनी थीसिस जमा कर चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं की, क्योंकि मैं किसी ओरिजिनल आइडिया पर काम करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जॉन नैश कभी भी क्लास में नहीं जाता। उसका कहना है कि क्लास में टाइम वेस्ट होता है, हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो पहले से लिखी जा चुकी है। लेकिन जॉन नैश कुछ ऐसा करना चाहता है जो पहले दुनिया में कभी भी ना हुआ हो। उसके सभी साथी जॉन को साइको समझते हैं क्योंकि उसका दिमाग सबसे अलग होता है। वो बहुत ब्लंट और अपने काम में बहुत इन्वॉल्व होता है। उसे नहीं पता चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे जिंदगी में करना होता है। अब एक बार जब जॉन नैश अपने आइडिया के बारे में सोच रहा होता है तभी उसे मार्टिन हैंसन अपने पास बुलाता है। वो उसके साथ एक गेम खेलता है और गेम के दौरान वो उसे बोलता है कि अगर तुम अपने ओरिजिनल आइडिया को कभी ढूंढ ही ना पाए तो क्या होगा। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जॉन नैश बहुत ब्लंट होता है और वो कभी भी किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं करता क्योंकि किसी का भी आइडिया उसे ओरिजिनल नहीं लगता। अब जब जॉन नैश को मार्टिन ये बात बोलता है तो इससे वो परेशान हो जाता है और वो 2 दिन तक लगातार लाइब्रेरी में बैठकर सोचता रहता है। उसका रूममेट बोलता है कि पिछले 2 दिन से तुम यहीं पर बैठे हो। जॉन नैश कहता है कि सब अपनी थीसिस जमा कर चुके हैं और मैं अभी तक ये भी नहीं सोच पाया कि मुझे कौन से टॉपिक पर डॉक्टरेट करनी है। उसका रूममेट चार्ल्स मजाक में बोलता है कि तुमने विंडो पर आर्ट करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। दरअसल वो अपने आइडियाज को जो जो उसके मन में आता है वो उसे विंडो के ग्लास पर नोट डाउन कर लेता है। जॉन कहता है कि मेरे दिमाग में ये 3 आइडियाज हैं जिसमें शायद मैं थीसिस लिख सकता हूँ। एक जिसमें लोग रग्बी यानी कि टच फुटबॉल खेल रहे होते हैं, दूसरा जिसमें बहुत सारे कबूतर दाने के लिए लड़ रहे होते हैं, और तीसरा जिसमें एक लेडी एक आदमी को चेज कर रही है क्योंकि उसने उसका पर्स चोरी कर लिया है। दरअसल वो इनके बिहेवियर के ऊपर थीसिस लिखना चाहता है और ये सच में एक ओरिजिनल आइडिया होता है, लेकिन वो इससे इतना कन्विंस्ड नहीं होता। चार्ल्स उसे बोलता है कि तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था। जॉन इस बात का जवाब नहीं देता और वो जॉन को अपने साथ बार में ले जाता है जहाँ पर इनके और भी क्लासमेट्स होते हैं। और यहाँ पर एक लड़की होती है जो जॉन नैश को देख रही होती है। जॉन नैश के दोस्त उसे बोलते हैं कि जा, वो तुम्हें देख रही है। जॉन नैश उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की जॉन नैश को बोलती है कि शायद तुम मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदना चाहो। जॉन नैश कहता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता हूँ। दरअसल जॉन घुमा फिरा के बात नहीं करता, वो डायरेक्ट उस मुद्दे की बात करता है जो उसके मन में होती है। वो ब्लंट होता है, वो स्ट्रेट होता है, वो बातों को घुमाता नहीं, वो दिल से नहीं सोचता। और इस बात से वो लड़की गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन जॉन नैश के लेक्चरर उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी थीसिस को जमा करवाना चाहिए क्योंकि सब ने अपनी थीसिस जमा करवा दी है, लेकिन अभी तक जॉन नैश को कोई भी ओरिजिनल आइडिया नहीं मिला।
अब उसी रात को जब वो अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है तो वहां पर लड़कियों का एक ग्रुप आता है जिसमें एक लड़की बहुत ही सुंदर होती है और ये सब के सब उसकी और अट्रैक्ट हो जाते हैं, सब उसे अप्रोच करना चाहते हैं। हैंसन बोलता है कि तुम्हें एडम स्मिथ की वो बात याद होगी। दरअसल उनकी एक थ्योरी होती है जिसमें ये बताया जाता है कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, यानी कि सब अपने अपने लिए काम करेंगे। हैंसन बोलता है कि सब उसे अप्रोच करेंगे और जो इस गेम से बाहर निकल जाएगा वो बाद में उसकी दोस्तों को अप्रोच कर सकता है। और जब हैंसन ये बात बोलता है तो जॉन नैश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे अपना ओरिजिनल आइडिया मिल चुका होता है। जॉन कहता है कि एडम स्मिथ को रिविजन करने की जरूरत थी। अगर हम सब उस लड़की के लिए जाते हैं तो हम एक दूसरे का रास्ता रोकेंगे और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कोई भी उसे ना पाए और इसके बाद जब हम उसकी दोस्तों को अप्रोच करेंगे तो वो भी हमें रिजेक्ट कर देंगी क्योंकि जिंदगी में कोई भी सेकेंड ऑप्शन नहीं बनना चाहता। क्या हो कि अगर हम उस सुंदर लड़की की तरफ ना जाएं, हम एक दूसरे का रास्ता ना रोकें और उसके साथ जो लड़कियां हैं उनकी भी हम इनडायरेक्टली इंसल्ट ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सब के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नैश उन सबको बताता है कि एडम स्मिथ ने ये कहा था कि ग्रुप में जब सब अपने लिए काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन रिजल्ट इससे भी बेहतर तब आ सकते हैं जब हम वही करें जो सबके लिए बेहतर हो और हमारे लिए भी बेहतर हो। और इस तरह से जॉन नैश को गवर्निंग डायनेमिक थ्योरी का आइडिया आता है और अगले दिन जब वो अपने सीनियर अपने प्रोफेसर के पास इस आइडिया को ले जाता है तो वो इससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये एक ओरिजिनल आइडिया होता है और साथ ही साथ ये एडम स्मिथ की 150 साल पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से नकार देता है। उसके प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि इस ब्रेक थ्रू के लिए तुम्हें कहीं भी एडमिशन मिल सकता है और तुम जाओगे व्हीलर लैब्स, लेकिन वहां पर तुम्हें दो और साथी लेकर जाने होंगे जो कि एक टीम की तरह तुम्हारे साथ काम करेंगे। और ये नैश की जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन होता है और उसकी इस अचीवमेंट से उसका जो रूममेट होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स हरमन, वो बहुत खुश होता है। लेकिन चार्ल्स हरमन कभी भी उसके दोस्तों के सामने नहीं आता, वो हमेशा उससे अकेले में ही मिलता है। अब 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बाद उसे द पेंटागन में बुलाया जाता है। ये वक्त होता है सन 1953 का। दरअसल यहाँ पर उसे एक इनक्रिप्टेड कोड को डीकोड करने के लिए बुलाया होता है जिसे जॉन नैश अपने दिमाग में ही सॉल्व कर देता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनक्रिप्टेड कोड्स को मैसेजेस को डीकोड करना इतना आसान नहीं होता। इनक्रिप्टेड मैसेज उसे कहते हैं जब हम किसी और फॉर्म में किसी दूसरे इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज भेजते हैं और ये मैसेज बहुत खुफिया होते हैं। ऐसा जॉन नैश ने पहले भी 2 बार इनके लिए किया होता है। यहीं पर जॉन नैश को एक आदमी भी दिखता है जो उस पर नजर रखता है। जॉन को समझ नहीं आता कि वो आदमी कौन है। अब जॉन यहाँ पर MIT के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता है। इस काम से वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड होता है क्योंकि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। और साथ ही साथ उसे ये क्लास लेना और दूसरों का क्लास अटेंड करना ये सब टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि अपने कॉलेज के दिनों में भी वो क्लास अटेंड नहीं करता था बल्कि वो एक इनोवेटिव नया आइडिया ढूंढने की कोशिश करता था और वो यही दूसरे लोगों के लिए भी चाहता है। अब क्लास के बाद उससे वही आदमी मिलने के लिए आता है जो उसे उस जगह दिखाता जिस जगह पर उसने इनक्रिप्टेड कोड के मैसेज को डीकोड किया था। वो आदमी उसके पास आता है, वो कहता है मेरा नाम विलियम है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश थी, तुम बहुत टैलेंटेड हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करो। तुम हमारे लिए मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो सोवियत के छुपे हुए मैसेजेस होते हैं उसे डीकोड करो कि वो कब कहाँ अमेरिका पर हमला करने वाले हैं। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो दिन रात इसी काम में लग जाता है। वो मैगजीन से और न्यूज़पेपर से सोवियत के छुपे हुए मैसेजेस को ढूंढने की कोशिश करता है और जब भी उसे कोई मैसेज मिलता है तो उसे उस मैसेज को एक एनवेलप के अंदर बंद करके एक बंगलो के बाहर जो बॉक्स होता है उसमें डालना होता है। और जॉन अपने काम में पूरी मेहनत कर रहा होता है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। लेकिन इस काम को करने के दौरान जॉन के दिल में बहुत डर पैदा हो जाता है क्योंकि जब भी वो मैसेज को एक एनवेलप के अंदर डालकर उस बंगलो के बाहर वाले बॉक्स में डालने जाता है तो उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है
और ये सोवियत के एजेंट्स हैं, इसीलिए उसके दिल में डर होता है, वो दिन भर अपने घर पर रहता है। और साथ ही साथ जॉन नैश अपनी एक स्टूडेंट जिसका नाम एलिसिया होता है उसके करीब आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को अब प्यार करते हैं। एक दिन जॉन नैश अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में जाता है यानी कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, और जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर काम कर रहा होता है तभी वहां पर एक बच्ची आती है। वो उससे पूछती कि आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जॉन। जॉन नैश बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। वो कहते हैं कि तुम मेरे अंकल के रूममेट थे। और तभी वहां पर जॉन नैश का वो पुराना रूममेट आ जाता है जिसका नाम चार्ल्स होता है, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उसका कभी रूममेट था। जॉन अपने रूममेट चार्ल्स को बताता है कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ जिसका नाम एलिसिया है, क्या मुझे उससे शादी के बारे में पूछना चाहिए। चार्ल्स उसे इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है, वो कहता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और जॉन नैश एलिसिया के पास जाता है और वो उससे शादी के बारे में पूछता है। एलिसिया भी जॉन को प्यार करती है, उसे पसंद करती है, इसीलिए वो हाँ कह देती है। और इसके बाद जॉन नैश की और एलिसिया की शादी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब वक्त आता है सन 1954 का, और आज भी जॉन नैश पार्चर के लिए काम करता है। और एक दिन जब वो लेटर को लेटर बॉक्स में डालकर बाहर आता है तभी वहां पर पार्चर अपनी गाड़ी से आ जाता है। कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते जो इनके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन किसी तरह से बच जाते हैं। और अगले दिन जॉन नैश विलियम पार्चर से मिलता है और वो कहता है कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। विलियम पार्चर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अब तुम इस काम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि रशियन को पता है कि तुम हमारे लिए काम करते हो, और अगर तुमने काम छोड़ा तो मैं तुम्हारे लिए काम करना छोड़ दूंगा, यानी कि तुम्हारी सुरक्षा करना छोड़ दूंगा। अब जॉन नैश के दिल में दिमाग में बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है और उसके डर का असर उसके स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा है जिसके बारे में वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। अब एक दिन जॉन नैश को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है, और जब वो वहां पर लेक्चर देने के लिए जाता है तो वहां पर उसे उसका पुराना रूममेट भी मिलता है जिसका नाम चार्ल्स हार्मन है। उसके साथ उसकी भांजी भी होती है। उन दोनों को देखकर जॉन नैश बहुत खुश होता है और इसके बाद वो लेक्चर देने के लिए जाता है, और जब वो लेक्चर दे रहा होता है तभी उसे वहां पर कुछ आदमी दिखते हैं और उसे लगता है कि वो सोवियत के जासूस है। जॉन नैश वहां से भाग जाता है लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और जब जॉन नैश को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ियां होती हैं, लेकिन ये सोवियत के आदमी नहीं होते बल्कि ये एक डॉक्टर हैं जो साइकाइट्रिस्ट हैं। दरअसल इन लोगों के मुताबिक जॉन नैश को दिमागी कोई प्रॉब्लम है। जॉन नैश यहाँ पर अपने रूममेट को जो कि उसका दोस्त है जिसका नाम चार्ल्स हार्मन है उसे भी देखता है और उसे लगता है कि वो भी सोवियत के साथ मिला हुआ है, और वो अपने दोस्त चार्ल्स हार्मन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम रशियन के साथ मिले हुए हो। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जॉन को लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद जॉन की पत्नी यहाँ पर आती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद जॉन को कोई दिमागी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम उसे उस वक्त से है जब ये ग्रेजुएशन कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उसका कोई रूममेट था जिसका नाम है चार्ल्स हार्मन, जबकि ग्रेजुएशन के दिनों में इनका कोई भी रूममेट नहीं था, इनके इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं, इन्हें हेलुसिनेशंस होते हैं। जॉन की पत्नी एलिसिया कहती है कि ये क्या बकवास है, इन्होंने मुझे अपने दोस्त चार्ल्स हार्मन के बारे में कई बार बताया जो कि यूनिवर्सिटी में इनका रूममेट था। डॉक्टर उससे पूछते क्या तुम कभी उससे मिली हो, क्या तुमने उससे कभी फोन पर बात की है, क्या तुमने कभी उसका फोटो देखा है। मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कॉल किया था और वहां पर चार्ल्स हार्मन नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं था और ना ही इनका कोई रूममेट था, यानी कि जॉन वहां पर रूम में अकेले रहते थे। और साथ ही साथ जॉन का एक और इमेजिनरी फ्रेंड है जिसका नाम है विलियम पार्चर, जिसके साथ मिलकर ये रशियंस के खिलाफ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जॉन मुझे भी एक रशियन एजेंट समझता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक रशियन एजेंट हूँ।
जॉन की पत्नी समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो उसके ऑफिस जाती है जहां पर वो देखती है कि मैगजीन्स के और न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे कटिंग लगे होते हैं और वो इसके बाद उस जगह जाती है जहां पर वो एक बॉक्स के अंदर वो सारे लेटर्स डालता था और उसे वो सारे लेटर्स मिल जाते हैं क्योंकि वो सब वहीं पर होते हैं। और इसके बाद वो जॉन से मिलने के लिए जाती है। जॉन अपनी पत्नी को कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें काफी समय से बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नहीं बता पाया। दरअसल मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जो कि रशियन के खिलाफ है और अब उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें विलियम पार्चर नाम के आदमी से मिलना होगा। जॉन की पत्नी एलिसिया बोलती है कि विलियम पार्चर नाम का इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है और जो तुम्हें लगता है कि तुम गवर्नमेंट के साथ मिलकर रशियंस के खिलाफ कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो सब झूठ है और जो भी लेटर्स तुमने लेटर बॉक्स के अंदर डाले थे वो आज तक वहीं थे। और वो उसे वो सारे लेटर्स दिखाती है जो वो उस लेटर बॉक्स के अंदर से लाई थी जहां पर जॉन नैश उन लेटर्स को डालता था। वो कहती है कि इन लेटर्स को आज तक खोला भी नहीं गया। वो उसे बताती कि तुम बीमार हो, जो कुछ है तुम्हारे माइंड में है, ये असली दुनिया नहीं है। लेकिन जॉन नैश अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं करता और वहां से उठकर चला जाता है। दरअसल जॉन नैश को स्केजोफीनिया नाम की दिमागी बीमारी होती है जिसके बारे में उसे नहीं पता होता। वो इस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यही हॉस्पिटल में एक दिन वो अपनी कलाई भी काट लेता है क्योंकि उसके मुताबिक उसकी कलाई पर एक चिप डाली गई थी जिससे हमेशा उसकी लोकेशन का आर्मी को पता चलता रहे। लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर्स उसे एक शॉक थेरेपी से गुजारते हैं और ये बहुत ही हार्ड ट्रीटमेंट होता है जो कई हफ्तों तक चलता है और इस ट्रीटमेंट के पूरा होने के बाद उसे रिलीज कर दिया जाता है। साथ ही उसे कुछ टेबलेट्स भी दी जाती है जिन्हें जॉन नैश को रेगुलर खाना है। अब जॉन नैश अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ हैं। दरअसल जॉन नैश को एक दिमागी बीमारी हो गई थी जो आज भी कहीं ना कहीं उसके साथ है, जिसमें उसने कई इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लिए थे। सबसे पहला फ्रेंड उसका वो होता है जो हॉस्टल में उसके साथ उसका रूममेट होता है जिसका नाम चार्ल्स हरमन है। दरअसल इस नाम का कोई इंसान होता ही नहीं, ये उसका इमेजिनरी फ्रेंड होता है और इसीलिए कभी भी कॉलेज में, घर में या कहीं भी हरमन से कोई भी नहीं मिला होता। इसके बाद उसका दूसरा इमेजिनरी इंसान वो होता है जो कि चार्ल्स हरमन की भांजी है जिससे जॉन नैश कई बार मिल चुका है और वो उसे अच्छे से जानता है। और तीसरा उसका इमेजिनरी फ्रेंड है विलियम पार्चर जिसके साथ मिलकर वो सोवियत के खिलाफ एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लेकिन ये सारे के सारे किरदार झूठे थे, ये उसकी दिमाग की उपज थी। और अब जब वो गोलियां खाता, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो उसे इनमें से कोई भी नहीं दिखता। लेकिन जॉन नैश जो गोलियां खा रहा होता है वो गोलियां उसकी बॉडी को बहुत सुस्त कर देती है और इस वजह से उसकी पत्नी के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसकी पत्नी जॉन की हालत देखकर बहुत परेशान होती है और जॉन धीरे धीरे इन गोलियों को खाना छोड़ देता है। और एक रात को वो देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर एक आदमी भाग रहा है। जॉन नैश उसका पीछा करता और पीछा करते करते वो घर से बाहर निकल जाता है और तभी वहां पर वो देखता है कि विलियम पार्चर कुछ लोगों के साथ वहां पर होता है। वो विलियम पार्चर को कहता है कि तुम रियल नहीं हो। विलियम पार्चर कहता है कि मैं रियल हूँ और वो उसे वहां पर एक रूम दिखाता है। वो कहता है तुम्हें आगे का काम यहाँ से करना होगा। और विलियम पार्चर जॉन को ये विश्वास दिला देता है कि डॉक्टर ने तुमसे झूठ कहा है और असलियत यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इसके बाद एक बार फिर से जॉन नैश विलियम पार्चर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। इसके बारे में उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां से जॉन नैश काम करता है, जो उनके घर के पास ही होता है। और वो देखती है कि वहां पर उसी तरह से पेपर्स की और मैगजीन्स की कटिंग होती है जिस तरह से जॉन नैश के ऑफिस में थी। और वो समझ जाती है कि जॉन नैश एक बार फिर से अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यानी कि उसे एक बार फिर से विश्वास हो गया कि उसकी इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं वो असली हैं। एलिसिया भागते हुए घर जाती है क्योंकि घर पर जो उसका बच्चा है वो जॉन के पास है। और जब वो जाती है तो वो देखती है कि जॉन ने बाथटब में पानी चलाया हुआ है और उसके अंदर उसका बच्चा है। लेकिन इससे पहले कि बच्चा डूबता, एलिसिया उसे उठा लेती है
तभी वहां पर जॉन नैश भी आ जाता है। वो कहता है कि यहां पर चार्ल्स हरमन था जो हमारे बच्चे का ध्यान रख रहा था। चार्ल्स हरमन यानी उसका कॉलेज के वक्त का रूममेट, जो कि सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। एलिसिया बोलते कि चार्ल्स हरमन नाम का कोई भी इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और वो नीचे जाकर टेलीफोन उठाती है और वो डॉक्टर रोशन को कॉल करना चाहती है, क्योंकि डॉक्टर रोशन ने ही उसका इलाज किया होता है। अब वहां पर जॉन नैश को विलियम पार्चर दिखना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को रोकना होगा, नहीं तो फिर से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और विलियम पार्चर अपनी गन निकाल कर उसकी पत्नी को मारने के लिए जाता है, जो कि सिर्फ जॉन नैश को दिख रहा होता है। और वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे धक्का देता है और एलिसिया इस बात से गुस्सा होकर अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। विलियम पार्चर बोलता है कि तुम्हें उसे रोकना होगा, तुम्हें इसे मारना होगा। और तभी वहां पर चार्ल्स हरमन भी आ जाता है। वो कहता है कि विलियम पार्चर जो भी कह रहा है तुम्हें करना होगा। और तभी वो बच्ची जिसका नाम मर्सी है, जो कि चार्ल्स हरमन की भांजी है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और इसके बाद जॉन नैश का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, उसे बहुत सारी चीजें रिकॉल होती है और वो अपनी पत्नी की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने सही कहा था, मर्सी रियल नहीं हो सकती क्योंकि वो कभी भी बड़ी नहीं होती। दरअसल जॉन नैश मर्सी को कई सालों से देख रहा होता है और जब से वो उसे देख रहा होता है तब से ना उसकी उम्र, ना कद, ना शरीर बड़ा होता है। और इस बात से समझ जाता है कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, मेरी पत्नी सही कह रही है और ये जितने भी लोग मुझे देखते हैं ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। इसके बाद उससे डॉक्टर मिलने के लिए आते हैं और वो उससे पूछते क्या तुम अभी भी उन सबको देख सकते हो। जॉन कहता है कि हाँ मैं उन सबको देख सकता हूँ। दरअसल जॉन उन सबको देख रहा होता है लेकिन उसे ये भी पता है कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है। वो जॉन से पूछते हैं कि तुमने दवा खाना क्यों छोड़ दिया। जॉन कहता है क्योंकि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ अपने बच्चे का और अपनी पत्नी का भी ध्यान नहीं रख पा रहा था, इसीलिए मैंने दवा खाना छोड़ दिया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें दवा खानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी बीमारी और भी वर्स्ट हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर के जाने के बाद जॉन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस बीमारी से खुद ही डील करना चाहता हूं। और उसकी पत्नी भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद जॉन नैश एक बार फिर से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाता है, जहां पर उसका पुराना दोस्त, जो कि उसका एक वक्त में कॉम्पिटिटर भी होता है, जिसका नाम हैंसन है, जो जॉन नैश की तरह ही एक स्कॉलर है, वो अब मैथमेटिशियन डिपार्टमेंट का हेड है। और वो जॉन को वहां पर लाइब्रेरी में अपना काम करने की परमिशन दे देता है। लेकिन अभी भी जॉन के लिए अपनी बीमारी से लड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी इमेजिनरी फ्रेंड विलियम पार्चर और चार्ल्स हरमन दिख रहे होते हैं, जो उसे उसके रास्ते से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जॉन नैश उनसे लड़ता है, वो कहता है कि तुम रियल नहीं हो, ये सब के सब उसे फोर्सफुली इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉन उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो अपनी रिसर्च को आगे जारी रखता है। कॉलेज के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन अब जॉन किसी बात की भी ज्यादा परवाह नहीं करता। धीरे धीरे वक्त आता है और ये वक्त आता है सन 1978 का। हालांकि जॉन को आज भी उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स दिखते हैं, यानी कि आज भी उसकी बीमारी ज्यों की त्यों है, लेकिन उस बीमारी के साथ उसने नॉर्मल इंसानों की तरह जीना सीख लिया है और अब वो पहले की तरह कॉलेज में दोबारा पढ़ाना भी शुरू कर देता है। ये देखकर उसकी पत्नी को बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये वक्त आता है सन 1994 का, जहां पर जॉन के पास एक आदमी आता है और ये आदमी जॉन को बताता है कि आपको सरकार नोबेल प्राइज देना चाहती है। वो उसे कैफेटेरिया में ले जाता है और वहां पर जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं वो सब के सब जॉन को अपना पेन देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। और इसके बाद जॉन ने जो गेम थियोरी पर रिसर्च की होती है उसके लिए उसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। लेकिन जॉन कहता है कि ये नोबेल प्राइज मैं अपनी पत्नी को डेडिकेट करता हूँ, अगर एलिसिया मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचता, मुझे ये प्राइज कभी नहीं मिलता, जो कि सच भी होता है। अगर जॉन ने अपनी हिम्मत हार ली होती, वो दवाइयों का गुलाम बन जाता, अपनी इच्छा शक्ति को काबू में नहीं कर पाता, तो आज वो किसी हॉस्पिटल में होता, वो जिंदा होकर भी जिंदा ना रहता। लेकिन जॉन नैश ने अपने हालातों से लड़ाई की, वो जिंदगी में आगे बढ़ा और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो नॉर्मल दिमाग के इंसान भी कभी नहीं कर पाते। जॉन नैश की थ्योरी का ग्लोब ट्रेड नेगोशिएशंस, नेशनल लेबर रिलेशंस और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
तो ये थी नोबल प्राइज विनर जॉन नैश की जिंदगी की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई हो।